वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग परमिट सिस्टम स्टार्ट किए और परमिट सिस्टम में हमने ये पढ़ा कि परमिट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी क्या होती है। किसी भी क्वांटिटी का परमिट वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसमें मैंने आपको कहा कि चार क्वांटिटीज हैं, वोल्टेज, पावर, करेंट और इम्पिडेंस। इसमें से वोल्टेज और पावर की बेस वैल्यू हम लोग कुछ मानते हैं, सिलेक्टेड बेस मानते हैं, और बाकी जो बच गया करंट और इम्पीडेंस, इनकी बेस वैल्यू हम लोग जो माने हैं पावर और वोल्टेज उससे निकाल लेते हैं। जैसे आई बी इक्वल टू एस बी बाई वी बी, जेड बी इक्वल टू वी बी स्क्वायर अपॉन एस बी, तो ये हमने देखा। इसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर आर जैसे वी पी यू अगर निकालना है, वोल्टेज पी यू, तो वो क्या होगा, वोल्टेज एक्चुअल बाय वोल्टेज बेस। करंट पी यू निकालना है तो करंट एक्चुअल बाय करंट बेस। पावर पी यू निकालना है तो एस एक्चुअल बाय एस बेस। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पी यू निकालना है, आर पी यू, तो वो क्या होगा, आर एक्चुअल बाय जेड बेस। उसी तरह से अगर रिएक्टेंस एक्स पी यू निकालना है तो होगा एक्स एक्चुअल बाय जेड बेस। एक्टिव पावर की परमिट वैल्यू निकालनी है PPU, तो वो क्या हो जाएगा, P एक्चुअल बाई S बेस, और QPU क्या हो जाएगा, Q एक्चुअल बाई S बेस। तो वो हमने देखा था सिंगल फेज के लिए। अब आइए आज देखते हैं थ्री फेज के लिए, और थ्री फेज में जो फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे वही फॉर्मूलाज आप लोग यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। जो हम लोग फॉल्ट एनालिसिस का न्यूमेरिकल करेंगे उसमें थ्री फेज वाले ही फॉर्मूलाज यूज करने हैं। तो जैसे थ्री फेज में भी देखिए वही सब चीजें हैं, चार तो क्वांटिटी यहां भी है, वोल्टेज, करंट, पावर और इम्पीडेंस, और पर यूनिट का फॉर्मूला भी इसमें वही है, एक्चुअल बाय बेस वैल्यू। और यहां भी हम लोग पावर और वोल्टेज की वैल्यू को कुछ मानते हैं और करेंट और इम्पीडेंस की वैल्यू को डिराइव करते हैं, एक बात। दूसरी बात कि जो हम लोग जो पर यूनिट सिस्टम पढ़ रहे हैं वो फॉल्ट एनालिसिस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें जो सारे के सारे केसेस जो होंगे आपको वो इसी टाइप के होंगे, स्टार कनेक्शन टाइप के। हाँ, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होगा तो वो स्टार कनेक्टेड है। तो जो हम लोग पर यूनिट सिस्टम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पर यूनिट सिस्टम फॉर थ्री फेज स्टार कनेक्शन। हालांकि अगर डेल्टा कनेक्शन भी होगा तो भी जो यहां पर है उससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन डेल्टा कनेक्शन कभी नहीं आएगा, ऑलवेज स्टार कनेक्शन आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, स्टार में थ्री फेज में कुछ चीजें हल्का हल्का डिफरेंट हो जाएंगी सिंगल फेज से। जैसे कि अगर हम बात करें वोल्टेज की, वोल्टेज और पावर इस दोनों का तो हमको बेस कुछ मानना है। अगर बात करें वोल्टेज की तो जैसे ही हम लोग थ्री फेज में आते हैं दो तरह का वोल्टेज हो जाता है, एक होता है लाइन वोल्टेज और एक हो जाता है फेज वोल्टेज, है ना। तो क्या है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और न्यूमेरिकल में जो क्वांटिटीज मिलेगा, जैसे 33 किलो वोल्ट लाइन है या 11 किलो वोल्ट लाइन है, तो ये सारी जो वैल्यूज है 33 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, ये सारा क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है, लाइन टू लाइन, है ना। तो हम लोग अपने क्वेश्चन में जो बेस वोल्टेज, जो वोल्टेज का जो बेस मानेंगे ना वो हम लोग लाइन वोल्टेज मानेंगे। तो मेरी बात, जैसे कि अगर मैंने एक थ्री फेज सिस्टम के लिए वोल्टेज बेस लिया, अपने मन से लिया 30 किलो वोल्ट, तो इसका मतलब है कि मैंने 30 किलो वोल्ट लिया लाइन वोल्टेज। तो इफ वी एल बी लाइन वोल्टेज बेस इन किलो वोल्ट एंड एस थ्री फेज बी, या एस बी भी लिख सकते हैं, अभी हम लिख रहे हैं एस थ्री फेज बी इन केवी आर सिलेक्टेड बेसिस। हमने बेस जो सिलेक्ट किया वो क्या है, वी एल बी लाइन वोल्टेज बेस वैल्यू किलो वोल्ट में और एस थ्री फेज बेस केवी में। अब यहां से और भी चीजें सब कैसे कैसे निकलेंगे, सो देखिए VLB लाइन स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, रूट थ्री टाइम्स V फेज B।
यानी कि अगर आपको फेज वोल्टेज की भी बेस वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हैं, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट थ्री करके, सही। अच्छा अब देखिए, सिंस एस थ्री फेज बी, एस थ्री फेज बी इसको लिख सकते हैं थ्री टाइम्स एस सिंगल फेज बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, केवीए में है, इसको लिख सकते हैं रूट थ्री टाइम्स बी एल बी आई एल बी, और यही बराबर होता है थ्री इंटू वी फेज बी आई फेज बी, होगा नहीं है। सिंगल फेज में यही चीज क्या हो रहा था, वी बी आई बी, लेकिन थ्री फेज में है तो लाइन वोल्टेज के टर्म्स में लेना पड़ेगा। तो एस थ्री फेज बी इक्वल टू रूट थ्री वी एल बी आई एल बी इक्वल टू थ्री वी फेज बी आई फेज बी। अब स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है, सेम होता है। अब यहां से हम चाहे तो आई एल बी निकाल सकते हैं, आई एल बी इक्वल टू आई फेज बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस थ्री फेज बेस इन केवीए डिवाइडेड बाय रूट थ्री वी एल बी इन किलो वोल्ट। तो आई एल बी आपको किस में मिल जाएगा, एम्पेयर में, ठीक है। तो देखिए मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने दो चीज सेलेक्ट किया, वी एल बी और एस बी, तो वहां से आप वी फेज बी भी निकाल सकते हैं और आई एल बी की वैल्यू भी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो सिंगल फेज में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, एस थ्री फेज बेस इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स वी एल बी। अगर आपके पास वी फेज भी है तो आप यहां पे कन्वर्ट करके थ्री इंटू वी फेज भी हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा आई एल भी निकल गया, आई फेज भी निकल गया। अब एक और चीज समझिए, ट्रांसमिशन लाइन में जो इंपीडेंस होता है वो पर फेज होता है, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन अगर थ्री फेज लाइन है तो जो इंपीडेंस होगा वो हर एक फेज का अपना अपना होगा, है ना, इसका होगा, वैसे सब सेम ही होगा आर एक्स जे एक्स, लेकिन हर फेज का अपना अपना होगा। तो जो इंपीडेंस जो निकालते हैं हम लोग, वो जो इंपीडेंस की बेस वैल्यू होगी वो पर फेज होगी, पर फेज मतलब एक फेज की, मतलब कि जेड बेस जो होगा ओम में, ये पर फेज मतलब एक फेज की बात कर रहे हैं। तो अगर एक फेज की बात कर रहे हैं तो जैसे हम लोगों ने सिंगल फेज में किया, जेड बी इक्वल टू क्या होता था, वी बी इंटू आई बी, वी बी इंटू आई बी वही होता था ना। तो थ्री फेज में भी अगर हम लोग एक फेज के इंपीडेंस की बात कर रहे हैं, जेड बी की बात कर रहे हैं, एक फेज की इंपीडेंस की बात, क्यों एक फेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि थ्री फेज बैलेंस्ड सिस्टम जो होता है उसकी एनालिसिस सिंगल फेज में कर सकते हैं, है ना। ये हम आपको बताए थे थर्ड सेल में कि अगर एक थ्री फेज अगर एक सोर्स है, मान लीजिए 10 एंगल 0, 10 एंगल माइनस 120, 10 एंगल माइनस 240, और इससे अगर एक थ्री फेज बैलेंस्ड लोड कनेक्टेड है ना, इस तरह से ये मान लीजिए है, इसके इंपीडेंस की वैल्यू है 10 एंगल 30, ये भी है बैलेंस्ड, मतलब बैलेंस्ड लोड है, 10 एंगल 30, 10 एंगल 30, तीनों फेज में सेम लोड, स्टार कनेक्टेड सेम लोड लोड है ना, इस तरह से। तो क्या होगा, ये ओम है, ओम ओम ओम, तो इसकी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये भी सोर्स भी बैलेंस्ड है ना, और आपका लोड भी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसका कैसे क्या होगा वो एक मिनट जरा आप देख लीजिए पहले। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आपसे आई वन आई टू आई थ्री पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आप थ्री फेज का क्वेश्चन है लेकिन आप सिंगल फेज से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप किसी एक फेज को ले लीजिए, इस पहले वाले को ले लीजिए, इस न्यूट्रल को इस न्यूट्रल से ऐड करके आप इस तरह से बना सकते हैं 10 एंगल 0, और ये लोड कितना है 10 एंगल 30,
तो करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई जेड, तो 10 एंगल 0 बाई 10 एंगल 30, ये हो जाएगा 1 एंगल माइनस 30 डिग्री, ये I1 हो गया। अब I2 I3 के लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है, I1 ये हो गया, तो I2 क्या होगा, इससे 120 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि तो वहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 120 माइनस 120 है ना, तो माइनस 120 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 1 एंगल माइनस 120 और ये माइनस 30 सॉरी माइनस 150। I3 क्या हो जाएगा, 1 एंगल इससे 120 ऐड कर दीजिए माइनस 270। तो थ्री फेज के क्वेश्चंस को हम लोग सिंगल फेज में कन्वर्ट करके आराम से बना सकते हैं, इसलिए हम लोग जो ZB यहां पर जो ZB ले रहे हैं वो एक ही फेज का ले रहे हैं, क्वेश्चन में भी आपको एक ही फेज का देगा और उसी से फिर हम लोग सिंगल फेज से निकाल लेंगे, फिर वहां से सारा कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो जेड बेस हम वो कर रहे हैं कि एक फेज का इंपीडेंस लेना है, तो एक फेज का इंपीडेंस क्या होगा, उस फेज का वोल्टेज इनटू उस फेज का करंट। जैसे जेड बी सिंगल फेज में जेड बी इक्वल टू वी बी इनटू आई बी होता था, उसी तरह से यहां पे जेड बी इन ओम इक्वल टू वी फेज बी, फेज वोल्टेज क्योंकि फेज का इंपीडेंस है, इनटू आई बी, आई फेज भी कहिए जो भी, आई बी लिख रहे हम सीधे, ठीक है, हो गया ये, यही होगा। अच्छा लेकिन आपको वी फेज भी पता रहेगा तब ना, वी फेज भी आप निकाल सकते हैं कैसे, यहां से डिवाइडेड बाय 3 करके। लेकिन अगर डायरेक्टली आपने वी एल बी माना है तो जेड बी निकालने के लिए आप पहले वी फेज निकालिए फिर निकालिए, उससे अच्छा क्यों नहीं इसके फॉर्मूला को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लें, LB में ही कन्वर्ट कर ले। अच्छा इसमें एक चीज जो भी हमको आ रहा था कि ये यहां ओम, ये गलत हो गया ना, गलत हो गया, ZB इक्वल टू V फेज बेस किलो वोल्ट बाय I बेस सॉरी, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब ये क्या हो जाएगा, वोल्ट में हो जाएगा, तब जाकर के आपको यहां ओम मिलेगा, करेक्ट। अब देखिए जो हम कह रहे थे कि V फेज बेस नहीं, डायरेक्ट V L B में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V फेज को लिख सकते हैं V L B by root 3, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं V L B into 1000 by root 3 into I B, I B क्या है, S थ्री फेज B, सॉरी S थ्री फेज B in KVA divided by रूट थ्री वी एल बी इन किलो वोल्ट, यहां से रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, तो देयरफॉर जेड बी इन ओम इक्वल टू वी एल बी स्क्वायर इन किलो वोल्ट, और 1000 जब नीचे आएगा तब एस थ्री फेज बी इन एम बी। तो देखिए यानी कि जो इंपीडेंस का फॉर्मूला जो सिंगल फेज में था वही फॉर्मूला यहां भी है, बस चेंज क्या है कि वहां सिर्फ VB था और यहाँ पे VLB स्क्वायर, वहां पर सिर्फ VB स्क्वायर था और यहाँ पर VLB स्क्वायर है, मतलब ZB निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लाइन वोल्टेज का जो आप बेस वैल्यू लिए हैं है ना, लाइन वोल्टेज की जो आप बेस वैल्यू लिए हैं उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, तो ये हो गया आपको ZB का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको IL भी निकल गया और जेड भी निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पर यूनिट को नॉर्मल यूनिट से अलग करता है, ठीक है, ये तो आप समझ गए कैसे क्या फॉर्मूला है, वो सब आपको मिल गया होगा। अब देखते हैं कि थ्री पर यूनिट की एक विशेषता क्या है, देखिए जरा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, देखिए अब हमने बेस वगैरह निकाल लिया, अब अगर हमको वी एल की पर यूनिट वैल्यू चाहिए, लाइन वोल्टेज की बेस वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया, अगर लाइन वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, वी एल एक्चुअल, ऐसी नहीं लिखेंगे, एक्चुअल बाई वी एल बी, यही होगा वन मिनट, वी एल को रूट थ्री टाइम्स वी V फेज लिख सकते हैं और VLB को भी रूट थ्री टाइम्स V फेज भी लिख सकते हैं,
और वी फेज बाय वी फेज डी को वी फेज पर यूनिट लिख सकते हैं, मतलब वी एल पर यूनिट इक्वल टू वी फेज पर यूनिट। समझ में आया बात? बोलोगे नहीं है ना, गुस्सा हो। तो देखिए मतलब पर यूनिट का, देखिए ऐसे नॉर्मल यूनिट में वोल्ट में तो VL इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स V फेज होता है, लेकिन पर यूनिट में VL लाइन वोल्टेज की जो पर यूनिट वैल्यू होगी, फेज वोल्टेज की भी वही पर यूनिट वैल्यू होगी, कुछ नहीं चेंज होगा। लाइन वोल्टेज की जो पर यूनिट वैल्यू होगी, फेज वोल्टेज की वही। तो इसीलिए हम कहेंगे पर यूनिट में सब बराबर है, कोई ये वो नहीं है, बड़ा छोटा नहीं। सेकेंड देखिए आई एल पर यूनिट क्या होगा, आई एल पर यूनिट होगा आई एल बाय आई एल बी, और स्टार कनेक्शन के लिए आई एल इक्वल टू आई फेज होता है, आई फेज बी इक्वल टू आई फेज पर यूनिट। तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और ये पर यूनिट में भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, ये भी एक बात आपको पता चली। अब जरा देखिए अगर पावर का हम पर यूनिट देखें, पावर का तो देखिए आप लोग खुद सोचिए, एस थ्री फेज पर यूनिट क्या होगा, एस थर्ड पॉइंट एस थ्री फेज पर यूनिट ये क्या हो जाएगा, एस थ्री फेज एक्चुअल बाय एस थ्री एक्चुअल ये है बाय एस थ्री फेज बेस। अब एस थ्री फेज एक्चुअल को लिख सकते हैं थ्री इंटू एस सिंगल फेज डिवाइडेड बाय थ्री इंटू एस सिंगल फेज बेस, ये क्या हो जाएगा एस सिंगल फेज पर यूनिट, यानी कि एस थ्री फेज पर यूनिट इक्वल टू एस सिंगल फेज पर यूनिट है ना। और यहां से देखिए एस थ्री फेज पर यूनिट इक्वल टू एस सिंगल फेज पर यूनिट, थ्री फेज में जो पर यूनिट में वैल्यू होगी पावर की वही सिंगल फेज में हो जाएगी। और यहां से एक और भी चीज निकलता है, देखिए एस थ्री फेज पर यूनिट, इसको एस थ्री फेज को लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू वी एल आई एल, और एस थ्री फेज को लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू वी एल बी आई एल बी, यानी वी एल पर यूनिट इंटू आई एल पर यूनिट, वो तो यहां से भी आ रहा है। तो ये भी एक है। फोर्थ चौथा है आपको पावर थ्री फेज पर यूनिट, इसको जरा देखिए ध्यान से, ये क्या होगा पावर थ्री फेज पर यूनिट इक्वल टू पावर थ्री फेज बाय एक्टिव पावर, एक्टिव पावर की बात हो रही है, पावर थ्री फेज बेस। पावर थ्री फेज को हम लोग लिख सकते हैं पावर थ्री फेज को, एक्टिव पावर थ्री फेज को लिख सकते हैं रूट थ्री वी एल आई एल कॉस थीटा। और अच्छा सॉरी ये हम ही बताए और हम ही गलती किए, पावर एक्टिव पावर का जो पर यूनिट वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू बाई टोटल पावर एस एस थ्री फेज भी। हम लोग देखे थे ना कल कि पी पर यूनिट इक्वल टू पी एक्चुअल बाई एस बी, आज भी बताए स्टार्टिंग में क्यू पर यूनिट इक्वल टू क्यू एक्चुअल बाई एस बी। तो P3 फेज पर यूनिट, ध्यान ये देखिए ये जो जितने पॉइंट है ना ये ऑब्जेक्टिव के लिए है पूरा का पूरा। अब एक्टिव थ्री फेज PU जो है वो होता है P3 फेज बाय S3 फेज B, तो P3 फेज होगा रूट थ्री वी एल आई एल कॉस थीटा, और S3 फेज होगा रूट थ्री वी एल बी आई एल बी, तो रूट थ्री से रूट थ्री कट गया। यहां से आपको क्या मिल रहा है कि पावर थ्री फेज पर यूनिट इक्वल टू VL by VLB, VLPU, ILPU, cos theta, नारी बात, पर यूनिट वाट मत लिख देना, पर यूनिट, ठीक है, तो ये है भाई, तो देखिए, यानी कि थ्री फेज जो एक्टिव पावर है, ऐसे जो एक्टिव पावर होता है, उसका फॉर्मूला होता है रूट थ्री इंटू VLIL, लेकिन जो पर यूनिट में थ्री फेज
एक्टिव पावर है उसका फॉर्मूला क्या है, वी एल पर यूनिट आई एल पर यूनिट कॉस थीटा। सिमिलरली क्यू का भी हो सकता है, पांचवा अगर हम देखें तो डायरेक्ट लिख रहे हैं क्यू थ्री फेज पर यूनिट इक्वल टू वी एल पर यूनिट आई एल पर यूनिट साइन थीटा। समझा की बात? तो ये जो चीजें हैं वी पर यूनिट में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम होता है, लाइन करंट फेज करंट सेम होता है, थ्री फेज पावर सिंगल फेज पावर सेम होता है, और थ्री फेज पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी एल पी यू इंटू आई एल पी यू, और एक्टिव पावर थ्री फेज एक्टिव पावर पर यूनिट वैल्यू क्या होगी वी सीधे बिना रूट थ्री के वी एल पी यू आई एल पी यू कॉस थीटा, और इसको ये भी कह सकते हैं वी फेज पी यू आई फेज पी यू कॉस थीटा, और सिमिलरली रिएक्टिव पावर क्या होगा VLPU, ILPU, sin theta, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये थ्री फेज का क्वेश्चन नहीं है, सिंगल फेज का ही है, मतलब ये जनरल क्वेश्चन है कि 75 MVA 10 किलो वोल्ट सिंक्रोनस जनरेटर का XT, XT क्या होता है हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, इसको कहते हैं डायरेक्ट सिंक्रोनस रिएक्टेंस, है ना, फिर XD डैश होता है, XD डबल डैश होता है, तो डायरेक्ट सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू है 0.4 pu, और आपसे बोल रहा है कि अगर बेस हो गया 100 MVA 11 किलो वोल्ट तो XD की वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन इसलिए दिए क्योंकि जनरली स्टूडेंट समझते हैं कि पुराना अगर pu हो और नया अगर चाहिए, नया बेस पर अगर चाहिए, तो हम लोग के लिए वो फॉर्मूला है ZPU new equal to ZPU old into MVA new by MVA old into आपको पता है KVA square old by KVA square new। तो क्या वो फॉर्मूला जो है ना वो Z के लिए तो है लेकिन वो X के लिए भी वैलिड है, उससे आप X भी निकाल सकते हैं, उससे आप R भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब कि ये फॉर्मूला ये भी हो जाएगा कि XPU new equal to XPU old into MVA base new by MVA base old और into आपको पता ही है KV square old base by KV square new, ठीक है, इसके लिए वैलिड है। तो आइए इस फॉर्मूला पे वैल्यूज को पुट करते हैं, पुरानी वैल्यू है 0.4, नई नया पावर कितना है 100 MVA, चाहो तो ऐसे कर लो चाहो तो सीधे MVA लिखो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय ओल्ड, ओल्ड कितना था 75, ओल्ड का स्क्वायर, ओल्ड कितना है 10 किलो वोल्ट, और न्यू का स्क्वायर, न्यू कितना है 11 स्क्वायर, तो इसको जरा सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है 0.44 pu, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.44 pu, ठीक है। तो ये हुआ, अब जरा देखिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर को पर यूनिट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ट्रांसफार्मर जो हमारा पर यूनिट कई सारे एडवांटेजेस हैं, उसमें से एक ये भी है कि ट्रांसफार्मर को पर यूनिट में एनालिसिस जब करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली में जब ट्रांसफार्मर को हम लोग पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे तो ट्रांसफार्मर एक सेपरेट बॉडी है, इस तरह से इसका एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, बीच में कोर है ना, लेकिन ये तो नेचुरल है, लेकिन जब इसको आप पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ये ना कंबाइन होकर के एक सीरीज इंपीडेंस सीरीज सर्किट का फॉर्म ले लेगा। ये ट्रांसफार्मर जो अलग था, एक इधर था, ये कन्वर्ट होकर के एक सीरीज का फॉर्म ले लेगा जब हम लोग इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे पर यूनिट में कन्वर्ट होता है और कैसे सीरीज में आता है, और फिर जब सीरीज में आ जाएगा तो फिर इसकी एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगी। तो अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर यूनिट का, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर बेसिकली कुछ इधर मत देखिए अभी, बस यहां देखिए, ट्रांसफार्मर बेसिकली जो है कुछ स्टेप का होता है, ये इसका प्राइमरी साइड है, ये इसका सेकेंडरी साइड है, ये सप्लाई वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो इंड्यूस्ड है सो है, ये इसका प्राइमरी का इंपीडेंस है, ये प्राइमरी का करंट है,
सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ है ईएस, जो कि टर्न्स रेशियो के हिसाब से होगा। सेकेंडरी का इंपीडेंस है, सेकेंडरी का करंट है, सेकेंडरी का वोल्टेज है। अब देखें, ट्रांसफॉर्मर को अगर पर यूनिट में रिप्रेजेंट करके जो एडवांटेज हम चाहते हैं कैलकुलेशन में लेना, वो लेना है। ट्रांसफॉर्मर को पर यूनिट में रिप्रेजेंट करके अगर उससे एडवांटेज लेना है, तो आपको तीन पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। क्या क्या क्या? पहला, फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग ब्रांच और पैरेलल ब्रांच नेग्लेक्टेड, जो कि ऐसे भी हम लोग करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो उसको नेग्लेक्ट ही करते हैं। मतलब जो पैरेलल वाला जो ब्रांच होता है ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में, पैरेलल वाला ब्रांच होता है ना, जहां से आईई नीचे जाता है, अगर आपको ध्यान हो यहां बना रहे, ये होता है, फिर इसके बाद इधर जिसमें आरसी और ये लगा होता है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको हम ले ही नहीं रहे सर्किट। मतलब जो यहां का करंट वही यहां का करंट, ये है ये। तो एक तो हम लोग एजम्पशन ये मानते हैं, पहला एजम्पशन के नाम पर सिर्फ एक यही है कि अगर करंट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक ब्रांच को, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को, या वो जो पैरेलल ब्रांच होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, पहला बात। दूसरा पॉइंट कि जब आप ट्रांसफॉर्मर को पर यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, जब ट्रांसफॉर्मर को पर यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वोल्ट पर यूनिट का मतलब है कि भाई वोल्ट बेस वगैरह लेना पड़ेगा वोल्टेज का। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी साइड का जो आप वोल्टेज बेस लेंगे ट्रांसफॉर्मर को जब पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज बेस लेंगे, प्राइमरी साइड का तो आप अपने मन से ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन सेकेंडरी साइड का लेने में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। सेकेंडरी साइड का कैसे लेंगे, ट्रांसफॉर्मर रेशियो के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहां पर तो हम ट्रांसफॉर्मेशन इसको 1:a लिए, मान लीजिए अगर ये 1:2 रहता सपोज, ठीक है, इधर एक इधर डबल, और यहां का इधर का अगर आप वोल्टेज बेस मानते हैं 10 किलो वोल्ट, तो इधर का तो आपको जो मानना है वो मान लीजिए, लेकिन इधर का अब अपने मन से नहीं मान सकते हैं, अब इस टर्न्स रेशियो के हिसाब से मान सकते हैं। तो टर्न्स रेशियो के हिसाब से इधर का कितना हो जाएगा, 20 किलो वोल्ट। समझ में आई बात? मतलब ट्रांसफॉर्मर को परमिट में रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइमरी साइड का जो आप वोल्टेज बेस मानेंगे, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बेस टर्न्स रेशियो के हिसाब से होगा। ठीक, तो ये एक बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात और तीसरी बात ये ध्यान में रखनी है, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट ये ध्यान में रखनी है कि सेम पावर बेस ऑन बोथ साइड, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में पावर क्या रहता है, सेम रहता है ना दोनों साइड। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने प्राइमरी साइड का पावर बेस 100 केवीए माना, तो इधर का 200 केवीए नहीं मानना है, इधर का भी क्या होगा, 100 केवीए ही होगा। ठीक है, तीन पॉइंट, पहला मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को नेग्लेक्ट कीजिए, दूसरा प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज बेस मानेंगे, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बेस टर्न्स रेशियो के हिसाब से मानना होगा, अपने मन से नहीं, और तीसरा कि पावर का बेस जो प्राइमरी साइड होगा वही आपको सेकेंडरी साइड भी मानना होगा। ओके, तो अब इतनी तीन चीजों की जानकारी के साथ हम लोग ट्रांसफॉर्मर को पर यूनिट में रिप्रेजेंट करना सीख सकते हैं। देखिए, प्राइमरी साइड का वोल्टेज बेस मैंने माना वीपीबी किलो वोल्ट में, और पावर का बेस माना एसबी किलो वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, तो पावर का बेस तो दोनों साइड सेम मानना है, तो यहां भी एसबी तो यहां भी एसबी। ओके, ये इधर प्राइमरी साइड का बेस वगैरह मान रहे हैं और इधर सेकेंडरी साइड का बेस वगैरह मान रहे हैं, तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज बेस मान लिए वीपीबी, पावर बेस एसबी, सेकेंडरी साइड का पावर बेस एसबी, और वोल्टेज बेस वीएसबी माने हैं, लेकिन आपको पता है कि सेकेंडरी साइड का क्या होगा, टर्न्स रेशियो के हिसाब से होगा। तो यहां देखिए, अगर इधर वीपीबी माने हैं तो इधर टर्न्स रेशियो के हिसाब से ही होगा, लेकिन अगर हम इसको वीएसबी मान लिए तो वीपीबी बाय वीएसबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे आप 2 लेते हैं और यहां पर अगर 10 किलो वोल्ट माने हैं, तो यहां 20 किलो वोल्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो 10/20 करेंगे क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा ना। तो ये हम यहां पर एक नाम ले लिए वीएसबी नाम ले लिए, लेकिन रिलेशन इन दोनों के बीच का क्या है, वीपीबी बाय वीएसबी इक्वल टू 1/a, रिलेशन वही है।
बात समझ में आ रही है, नाम अलग ले ली, रिलेशन वही है, ठीक है। अच्छा एक और भी बात है कि यहां पर जो ईपी जो इंड्यूस होता है और ईएस जो इंड्यूस होता है, ये तो ट्रांसफार्मर के लिए आपको पता ही है कि ई वन बाई ई टू इक्वल टू एन वन बाई एन टू, तो ये रिलेशन तो सेटिस्फाई होगा ही कि ईपी बाई ई एस इक्वल टू वन बाई ए, तो वो भी लिखे हैं ईपी बाई ई एस इक्वल टू वन बाई ए। और वोल्टेज का तो हमने बेस, देखिए आप इसको इससे मत कंपेयर कीजिए, ये तो वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू है ना, और ये वोल्टेज की बेस वैल्यू है। तो जब आप प्राइमरी साइड का बेस वोल्टेज मानेंगे तो सेकेंडरी साइड का बेस वोल्टेज कैसे मानेंगे, टर्न्स रेशियो के हिसाब से, तो VPB by VSB equal to 1 by, हो गया। अब जैसा हम लोग पहले से करते आ रहे हैं क्या कि वोल्टेज और पावर पता चल गया, तो करंट का बेस निकालिए, तो प्राइमरी के करंट का बेस क्या हो जाएगा, SB by VB, SB KVA by VPB KV, उसी तरह सेकेंडरी का बेस करंट क्या हो जाएगा, SB by VSB, उसी तरह से प्राइमरी का इंपीडेंस जो हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं उसी से ZP भी इक्वल टू VPB स्क्वायर किलो वोल्ट बाय दिस और ZSB इक्वल टू दिस। अब देखिए VPB बाय VSB तो 1 बाय ए हो गया, IPB बाय ISB क्या होगा, तो अगर आप IPB बाय ISB करके देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये VSB ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A के बराबर। अब करके देखिएगा ये A के बराबर, क्योंकि क्या होगा VSB ऊपर आ जाएगा VPB नीचे चला जाएगा, तो VPB बाय VSB 1 बाय ए है, तो IPB बाय ISB क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और अगर आप ZPB by ZSB करेंगे, ZPB by ZSB, तो ZPB को लिख सकते हैं VPB into IPB, ZSB को लिख सकते हैं VSB into ISB, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 by A square, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब आइए, ये तो हो गया बेस वगैरह का, अब आइए ट्रांसफार्मर का कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखते हैं। इस साइड का अगर आप KVL निकालिए तो क्या हो जाएगा, ES में से इतना ड्रॉप हुआ तो VS मिला, है ना, ES में से इतना ड्रॉप होगा तो आपको VS मिलेगा, सही है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं VS इक्वल टू ES माइनस IS इनटू ZS, ये वैल्यू क्या होगी, इसमें से इतना वोल्टेज घटेगा तो ये मिलेगा, तो VS इक्वल टू ES माइनस IS ZS, ठीक है। अब ES को यहां देखिए, ES को क्या लिख सकते हैं, A इनटू EP, तो ES को लिखे हैं A इनटू EP माइनस IS ZS। अब अगर हम इधर KVL लगाएं, इधर तो लगा के ये निकल गया, अगर इधर KVL लगाएं तो EP जो होगा वो क्या होगा, VP में से इसका ड्रॉप घटा देंगे तो EP मिल जाएगा, तो EP जो वहां है उसको क्या लिख सकते हैं, VP माइनस IP ZP, तो वही किए EP के जगह क्या लिखते हैं, VP माइनस IP ZP, इसमें KVL लगा करके EP क्या होगा, VP में से इसको हटा देंगे तो वो है, तो A into VP, तो ये आ गया VS equal to A into VP minus IA IP ZP minus ISVS। अब जरा देखिए ये जितनी भी वैल्यूज हैं सब एक्चुअल वैल्यूज हैं, और हमको ट्रांसफार्मर का पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, अब तो है बट चल जाएगा काम। तो देखिए अगर इन जो ये जो एक्चुअल वैल्यूज हैं इनको अगर हम पर यूनिट में कन्वर्ट करें, हम लोग को पता है कि जैसे कि VS है तो VS पर यूनिट क्या होगा, VS एक्चुअल बाय VS बेस, यही तो होगा, तो यहां पर है VS, तो VS को क्या लिख सकते हैं, VS हो जाएगा VS पर यूनिट इंटू VSB, ये होगा VS होगा VS पर यूनिट इंटू VSB, तो यहां लिख सकते हैं VS पर यूनिट इंटू VSB। सिमिलरली इन सब को भी लिख सकते हैं A इंटू VP पर यूनिट VPB माइनस A इंटू IP पर यूनिट IPB ZP पर यूनिट ZPB minus IS per unit ISB और into VS per unit VSB, सभी को हमने per unit में लिया था, है ना, VS equal to VSPU into VSB, VP equal to VP per VPB, IP हो गया IPPU IPB, है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई इस तरह से। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिएगा,
आगे दोनों साइड, चूंकि हमको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्मर को कन्वर्ट करना है पर यूनिट में, तो दोनों साइड अगर हम वी एस बी से डिवाइड करें, है ना, जैसे देखिए इस साइड अगर वी एस बी से डिवाइड करेंगे तो वी एस पी यू मिल जाएगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वी एस बी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वी एस बी, अगर दोनों तरफ वी एस बी से डिवाइड करें तो इसमें से तो वी एस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, वी एस पी यू इक्वल टू यहां हो जाएगा ए वी पी पी यू वी पी बी बाय वी एस बी, लेट मी राइट। देखिए तो यहां पे सबसे हम मल्टी ये करके सबके क्रॉस वी एस बी, अब देखिए जरा VPB by VSB, VPB by VSB ये क्या होता है, VPB by VSB होता है आपको 1 by A, ध्यान में है आपको VPB by VSB equal to 1 by A होता है। तो अगर हम इसको अगर देखिए मतलब VPB, मतलब VPB अगर नीचे लाए VSB के नीचे तो यहां A आएगा, तो A से A कैंसिल होगा, हम वो कर रहे हैं कैसे देख लीजिए जरा, तो वी एस पी यू को लिख सकते हैं A वी पी पी यू डिवाइडेड बाय वी एस बी बाय वी पी बी, तो वी एस बी वी पी बी बाय वी एस बी था वन बाय A, तो वी एस बी बाय वी पी बी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सिमिलरली देखिए आगे बढ़ते थोड़ा, इसको ऐसे लिखिए आई पी पी यू आई पी बी और ठीक है। अच्छा देखिए अब देखिए इसमें देखिए आई पी बी इंटू जेड पी बी, हमने देखा था कि बी पी बी है ना, बी पी बी इक्वल टू क्या होता है आई पी बी इंटू जेड पी बी, बी इक्वल टू आई इंटू जेड, तो आई पी बी इंटू जेड पी बी ये हो जाएगा बी पी बी, यहां पर लिखते हैं आई पी पी यू इंटू जेड पी पी यू इंटू बी पी बी डिवाइडेड बाई बी एस बी, और बी एस बी को क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए बी एस बी या हम यहां पर लिखे अगर तो बी पी बी बाई बी एस बी इक्वल टू था वन बाई ए, तो बी एस बी को क्या लिख सकते हैं ए इंटू बी पी बी लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे a इंटू वी पी बी, तो ये इससे कट जाएगा a इससे कट जाएगा। दूसरे वाले में आते हैं इसमें, इसमें आई एस बी इंटू आई एस बी इंटू वी एस बी है ना, ओ शिट यहां देखिए यहीं से गलती हो रही, ये a यहां हुआ आई एस इंटू जेड एस है, यहां बी एस लिखा गया, सॉरी यहां भी क्या होगा जेड एस, तो जेड एस यहां होगा तो यहां भी क्या होगा जेड एस, आप लोग रहते हैं अभी तो बोल देते लेकिन नहीं है, तो जेड एस सॉरी ठीक है, तो यहां भी क्या होगा जेड एस ठीक है, तो यहां पे आई एस बी इंटू जेड एस बी क्या हो जाएगा पी एस बी, तो वो तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो एक स्टेप और लिखें जरा आई एस पी यू इंटू आई एस बी इंटू जेड एस बी लिख देंगे जेड एस पी यू इंटू वी एस बी डिवाइडेड बाय वी एस बी। अब देखिए क्या कमाल है, कमाल ये है कि इस बी पी बी से ये तो ए हो जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा, फिर ये बी पी बी से ये बी पी बी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, ये तो सीधे सीधे कट रहा है, और यहां वी एस बी से ये कट रहा है, तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो हम यहां पे लिख रहे हैं, देखिए जो इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वी एस पी यू ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी का परमिट, ये ए ए से ए कट गया, वी पी पी यू माइनस आई पी पी यू जेड पी पी यू माइनस आई एस पी यू
जेड एस बी यू। अब देखिए जरा एक और कमाल का चीज देखते हैं, इधर देखिए आईपीपीयू और आईएसपीयू, आईपीपीयू क्या होगा, आईपी बाय आईपीबी, और आईएसपीयू क्या होगा, आईएस बाय आईएसबी। अगर हम इन दोनों का रेशियो करें, आईपीपीयू बाय आईएसपीयू, तो क्या होगा, आईपी बाय आईपीबी डिवाइडेड बाय आईएस बाय आईएसबी। अगर ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आईपी इनटू आईएसबी डिवाइडेड बाय आईपीबी इनटू आईएस। अब देखिए आईपी बाय आईएस क्या होता है, आईपी बाय आईएस अभी हमने निकाले, आईपी बाय आईएस जो हम लोग जानते भी हैं ट्रांसफॉर्मर के लिए कि आई वन बाई आई टू इक्वल टू आई वन बाई आई टू इक्वल टू एन टू बाई एन वन, यानी आईपी बाई आई एस हो जाएगा ए, आईपी बाई आई एस क्या हो जाएगा ए, और अभी हमने इधर किया था लिखा था या नीचे लिखे हुए थे आईपी बाई आई एस बी बी इक्वल टू ए। आईपी बाई आई एस बी मतलब ये आई एस बी नीचे लाए तो ये भी क्या है, ये भी ए, यानी दिस इज इक्वल, यानी आईपी पर यूनिट इक्वल टू आईएस पर यूनिट, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर जब पर यूनिट में कन्वर्ट होगा, ट्रांसफॉर्मर जब पर यूनिट में कन्वर्ट होगा तो उसका प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट दोनों सेम हो जाएगा, मतलब ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी का पर यूनिट वैल्यू करंट का और सेकेंडरी का करंट वैल्यू दोनों क्या होता है, सेम होता है, है ना, प्राइमरी का करंट वैल्यू सेकेंडरी का करंट वैल्यू दोनों सेम होता है। तो हम IPPU equal to ISPU को एक अलग नाम दे देते हैं IPU। अब ये चीज यहां हेल्प करेगी, VPPU माइनस, मतलब ये IPPU भी क्या हो गया, IPU, ISPU भी क्या हो गया, IPU। तो यहां से हम लोग ZPPU प्लस ZSPU कर सकते हैं इनटू IPU, समझ में आई बात। अब ये जो फॉर्म है दिस इज द फॉर्मूला, अब इस फॉर्म को अगर हम लोग एक सर्किट का रूप दें, अगर एक सर्किट का रूप दें तो सर्किट कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का कि Vs जो वोल्टेज है Vp में से इतना ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये इंपीडेंस है ये करंट है तो ये ड्रॉप है वोल्टेज है, तो इसमें से इतना ड्रॉप हो गया तो ये मिला, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं VPPU ZPPU plus ZSPU, और यहां पर क्या है VSPU, तो करंट क्या है IPU। देखिए ये जो है ना यही क्या है, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यही है, जो ट्रांसफॉर्मर दो अलग अलग था उसको हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब एक ट्रांसफॉर्मर को पर यूनिट में सिंपल इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, इधर का वोल्टेज कितना VPPU, इधर का वोल्टेज कितना VSPU, कैसे निकलेगा VPPU, सिंपल है VP actual by VP base, और VSPU VS actual by VS base, और ZPPU ZPPU ZP actual by ZP base, और IPU वैसे निकल जाए। तो ये है ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंटेशन, कि ट्रांसफॉर्मर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, समझ आगे बात। अब आइए एक न्यूमेरिकल आपको देख करके खत्म करेंगे क्लास को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो ये है कि ये एक प्राइमरी साइड दे दिया ट्रांसफॉर्मर का और ये सेकेंडरी साइड दे दिया, यहां पे जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 10 एंगल 0 है और प्राइमरी का इंपीडेंस आपका 1 प्लस जे है, दोनों के बीच का टर्न्स रेशियो 1:2 है, सेकेंडरी का इंपीडेंस 4 प्लस जे 4 है, और सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, ये शॉर्ट है, सेकेंडरी क्या है शॉर्ट, मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज जीरो है, वीएस एक्चुअल कितना है जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये है कि
कि I1 और I2 निकालिए not by transformer method but by per unit method. Per unit method से I1 और I2, मतलब इस ब्रांच का प्राइमरी का अलग करंट निकालिए, सेकेंडरी का अलग करंट निकालिए पर यूनिट मेथड से. अगर आप निकाल पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम आप इसका जो ये है पर यूनिट सर्किट वो बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा. मतलब कोशिश कीजिए. कैसे कोशिश करें? तो कोशिश ये कीजिए कि देखिए आपको इसमें आई वन और आई टू का एक्चुअल वैल्यू मांग रहा है ना. अगर आप ट्रांसफॉर्मर का पर यूनिट डायग्राम बना लेंगे और वहां से आई पी यू निकाल लो, IPU तो सबके लिए सेम होगा, तो IPU क्या होगा? I1 by IP base. और तो यहां अगर IPU निकल गया, IP base तो हम लोग अपने मन से मानते हैं तो वो तो हो ही जाएगा. अगर IPU निकल गया तो I1 क्या हो जाएगा? This into this. Similarly I2 के लिए, तो इसमें आप करेंगे क्या? इसमें आप सबसे पहले जो मैंने किया कि आप इधर का कुछ वोल्टेज बेस मानिए, कुछ पावर बेस मानिए. इधर का वोल्टेज बेस अगर मान लीजिए 1:2 है, इधर आप कुछ वोल्टेज बेस मानते हैं, इधर उसका डबल मानिए, पावर सेम मानिए, ठीक है. फिर करंट बेस निकालिए, इधर भी निकालिए. इंपीडेंस बेस निकालिए, इधर भी निकालिए. सब कुछ कीजिए. उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मर का पर यूनिट डायग्राम, उसमें आपको क्या क्या चीज चाहिए? आपको VPPU चाहिए. VP एक्चुअल पता है, बेस पता है, आपको निकल जाएगा. ZPPU चाहिए, ZPP पता है, ZP एक्चुअल पता है, निकल जाएगा. ZSPU निकल जाएगा, VSPU निकल जाएगा, IPU निकल जाएगा. और IPU निकल जाएगा तो I1 I2 निकल जाएगा. आई थिंक यू कैन मेक, एवरी पर्सन ऑफ द बैच कैन मेक. तो आप प्रयास कीजिए, बनाइए. अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करें, इसको बनाएंगे, एक और क्वेश्चन है उसको बनाएंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिएक्टेंस डायग्राम. थैंक यू वेरी मच.